हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे टॉक्सिकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कैनाबिनी सटावा तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे केनाबिनी सटैवा की इंट्रोडक्शन बाद में एक्टिव प्रिंसिपल पॉइजनस प्रिपरेशन देखेंगे जो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट हम देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स साइंस एंड सिम्टम्स की मैं आपको ट्रिक बताऊँगी कि उस हिसाब से आपको सारे साइंस एंड सिम्टम्स याद हो जाएंगे बाद में हम देखेंगे फैटल डोज फैटल पीरियड नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट पोस्टमार्टम अपियरेंस एंड मेडिको लीगल एस्पेक्ट तो शुरू कर देते हैं आज का टॉपिक कैनाबिनिस सटावा केनाबिनिस सटावा इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन हेम इसको इंडियन हेम भी बोला जाता है सबसे पहले हम देखेंगे उसका नेचर ऑफ पॉइजन तो नेचर ऑफ पॉइजन कैसा है इट्स अ न्यूरोटॉक्सिक सेरेब्रल डेलिरियंट पॉइजन डेलिरियंट यानी कि क्या विच इंड्यूस अ कन्फ्यूजनल स्टेट इन द ह्यूमन बॉडी अब हम देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन नेचर ऑफ पॉइजन हो गया न्यूरोडॉक्सिक सेरेब्रल डेलीरियट पॉइजन इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट इट इज एनुअल डायोशियस प्लांट डायोशियस यानी कि सबको पता है मेल का प्लांट अलग रहेगा और फीमेल प्लांट अलग रहेगा और उसी के हिसाब से हमें नेक्स्ट पॉइंट लेना है जो फीमेल प्लांट है इज टॉलर एंड हैज़ डार करनी चाहिए मोर फॉल लग्जरियस फॉलियस दैन मेल प्लांट फीमेल प्लांट इज टॉलर एंड हैज मोर लग्जरियस फॉलियस दैन मेल प्लांट जो फीमेल प्लांट होता है वो मेल प्लांट से बड़ा और उसका जो फॉलेज भी है वो भी लग्जरियस होता है दैन मेल नेक्स्ट पॉइंट कैनाबिनिस प्रिपरेशन आर यूज एज मेडिसिन इंटॉक्सिकन एफ्रोडेजिया हिप्नोटिक एनालजेसिक एंड टू इंक्रीज द सेक्शुअल एक्ट जो कैनाबिनिस प्रिपरेशन है वो हम मेडिसिन के हिसाब से यूज कर सकते हैं इंटॉक्सिकन इंटॉक्सिकन यानी कि जो पर्सन है पर्सन इज लेस एबल टू कंट्रोल वॉट दे से और डू तो उसको हम बोलते हैं इंटॉक्सिकन एफ्रोडेजिया यानी कि विच इंडस द सेक्शुअल डिजायर हिप्नोटिक यानी कि स्लीप प्रोड्यूसिंग एनालिसिक यानी कि पेन किलर एंड टू इंक्रीज द सेक्शुअल एक्ट तो ये हो गई इंट्रोडक्शन कैनाबिनी सटावा की अब हम देखेंगे उसका एक्टिव प्रिंसिपल प्लांट इल्ट स्टिकी एमोरफस रेजिन कॉल्ड कैनाबिन विच कंटेन कैनाबिनॉइड्स तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि एक्टिव प्रिंसिपल क्या है उसके कैनाबिन कैनाबिनॉयड्स और एक ओलियोरेजिन है टी एच सी यानी कि टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल तो ये तीन यो ये जो तीन है ये तीनों भी एक्टिव प्रिंसिपल है कैनाबिनिस के कैनोबिन कैनाबिनॉइड्स और टेट्रा हाइड्रो कैनाबिन टी एच सी तो ये हो गई उस ये हो गया उसके एक्टिव प्रिंसिपल के बारे में अब हम देखेंगे इसके पॉइजनस प्रिपरेशन तो पॉइजनस प्रिपरेशन इसके टोटल चार है तो सबसे पहले हम देखेंगे भांग भांग माजुन गांजा और चरस चरस को हर्शिश भी बोला जाता है तो ये उसके चार पॉइजनस प्रिपरेशन है सबसे पहले हम देखेंगे भांग भांग इट इज़ बीवरेज मेड बाय ग्राइंडिंग ड्राइड लीव्स एंड मिक्स्ड विथ शुगर और स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू टेस्ट तो जो होली में यूज़ करते हैं कुछ लोग भांग तो वो क्या रहती है जो कैनाबिनी सटा है उसके जो लीव्स रहते हैं उसको ड्राई करते हैं और देन उसको ग्राइंड करके मिक्स करते हैं शुगर और स्पाइस के साथ अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट तो वो प्रिपरेशन हो जाता है भांग का देन इंटॉक्सिकेशन लास्ट फॉर थ्री आवर्स इट हेल्प्स टू इट हेल्प्स टू बी चेयरफुल एंड हैप्पी जो उसका असर होता है वो थ्री आवर्स तक होता है और पर्सन चेयरफुल और हैप्पी फील करता है भांग से नेक्स्ट माजुन तो माजुन क्या है इट्स अ लड्डू प्रिपरेशन फ्रॉम भांग आफ्टर द ट्रीटमेंट विथ शुगर फ्लोर मिल्क एंड बटर जो माजुन है वो क्या है लड्डू प्रिपरेशन रहते हैं भांग से ही बनते हैं उसके लड्डू तो फिर भांग में हम क्या ऐड करते हैं शुगर फ्लोर यानी कि आटा मिल्क एंड बटर तो यह हो गया माजून देन गांजा अगर गांजा याद नहीं रहता तो फिर ये ट्रिक भी आप लगा सकते हैं जी एफ एफ से फ्लावरिंग टॉप ऑफ फीमेल प्लांट तो मतलब गांजा यानी कि क्या रह क्या है ये फ्लावरिंग टॉप ऑफ फीमेल प्लांट है विच कैन बी स्मोक विद द टोबैको तो ये टोबैको के साथ स्मोक भी करते हैं लोग देन पर्सन फील्स हेवी लेजी एंड डेड रिमिंग पर्सन कैसा फील करता है हेवी यानी कि उसका जो सिर है वो भारी भारी सा लगता है देन लेजी एंड डेड रिमिंग यह हो गया गांजा अब हम देखेंगे चरस या फिर हशीश उसको ही हशीश भी बोला जाता है तो इट्स अ ड्राइड रेजिन ऑबटेन फ्रॉम लीव्स और स्टेम ये एक रेजिंग टाइप रहता है लिव्स और स्टेम से निकलता है उसको हम बोलते हैं चरस या फिर हशीश तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इसका वो क्या है इट इज़ अ मोस्ट इंपोर्टेंट अमंग कैनाबिनिस प्रिपरेशन ये जो चार प्रिपरेशन है कैनाबिनिस की भांग माजून गांजा और चरस तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है मतलब कि मोस्ट स्ट्रॉन्ग कौन सा है चरस ये हो गए चार पॉइजनस प्रिपरेशन ऑफ कैनाबिनिस अब हम देखेंगे उसके साइंस एंड सिम्टम्स साइंस एंड सिम्टम्स में इंपॉर्टेंट टू स्टेजेस है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट और स्टेज ऑफ नार्कोसिस एक्साइटमेंट जब कैनाबिनिस का इंटेक किया जाता है तो सबसे पहले हमें स्टेज दिखते हैं एक्साइटमेंट की बाद में हमें दिखेंगी नार्कोसिस की स्टेज तो नार्कोसिस यानी कि क्या पर्सन फॉलिंग अस्लिप यानी कि उसको नींद आती है और सबसे पहले वाली स्टेज स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट मतलब वो एक्साइट रहता है तो एक्साइटमेंट की स्टेज में हमें ट्रिक देखनी है डी टू आई फोर डी टू आई फोर यानी कि डी से दो साइन एंड सिम्टम्स में सिम्टम्स है और आई से चार है तो डी से कौन सा है ड्रीमिनेस ड्री, वो ड्रीम में ही रहता है और डिस और यानी कि उसको पता ही नहीं रहता वो क्या कर रहा है क्या खा रहा है क्या पी रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिस आई फोर से मतलब कि आई से चार है साइन एंड सिम्टम्स एलुजन्स मतलब कि उसको फॉल्स परसेप्शन होते रहते हैं देन इम्पेयर जजमेंट वो क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है उसको कुछ पता अंदाज़ा नहीं रहता उसे इंक्रीज एपेटाइट एंड थर्स्ट भूख भी बढ़ती है प्यास भी बढ़ती है बाद में इम्पेयर ड्राइविंग एंड मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में ऑपकर तो uh, जो उसकी ड्राइविंग होती है वो बराबर नहीं होती और व्हीकल एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं ये हो गए साइन एंड सिम्टम्स और एक्स्ट्रा साइन एंड सिम्टम्स इधर है नोशिया टैकीकार्डिया डिजीनेस और स्लर्ड स्पीच वोमिटिंग और नौ नोशिया भी हो सकता है उसे बाद में टैकीकार्डिया कार्डिया हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है डिजीनेस यानी कि चक्कर स्लर्ड स्पीच डिसोरियंटेशन में ही स्लर्ड स्पीच आ सकता है तो ये हो गई स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट बाद में स्टेज ऑफ नार्कोसिस स्टेज ऑफ नार्कोसिस मैंने बताया कि पर्सन फॉलिंग अ स्लिप मतलब कि एक्साइटमेंट के सब अपोजिट रहेगा कन्फ्यूजन रहेगा उससे इनकोऑर्डिनेशन बाद में गिडीनेस ड्राउजीनेस और डायलेटेड प्यूपिल्स ये सारे है स्टेज ऑफ नार्कोसिस में ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं ये हो गए अब साइन एंड सिम्टम्स अब हम देखेंगे उसका फैटल डोज फैटल डोज उसके प्रिपरेशन के हिसाब से उसका फैटल डोज दिया है चरस गांजा भांग तो इसका रिस्पेक्टिवली फैटल डोज कितना है चरस का टू ग्राम पर के गांजा का एट ग्राम पर के और भांग का टेन ग्राम पर के तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं सी जी बी टू एट टेन डायरेक्ट सी जी बी टू एट टेन मतलब आसानी से हमें याद हो सकता है अब हम देखेंगे उसका फैटल पीरियड फैटल पीरियड ट्वेल्व आवर्स एक दिन आ, आ, हाफ दिन तक रह सकता है मतलब कि आज छः बजे लिया तो फिर बारह बारह बजे तक वो रह सकता है सॉरी आज छः बजे लिया तो बाद में सुबह के छः बजे लिया तो रात के छः बजे तक रह सकता है अबाउट ट्वेल्व आवर्स ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में अब हम देखेंगे उसके ट्रीटमेंट ये याद करना है फैटल पीरियड अबाउट ट्वेल्व आवर्स छः बजे लिया तो रात के छः बजे डायरेक्ट अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में गैस्ट्रिक लेवेज अगर गैस्ट्रिक लेवल से पूरा जो पॉइजन मतलब कैनाबिनी सटा हुआ है स्टमक में वो सब बाहर निकल जाएगा बाद में बेंजोडाइजिपाइंस तो बेंजोडाइजिपइंस वो क्या करते हैं एंजाइटी एंड डिप्रेशन को ट्रीट करने में यूज़फुल है बाद में हमें साइकोथेरेपी भी दे, देना पड़ सकता है क्योंकि अगर वो साइको आ, साइको जैसा कर रहा है अगर उसको कॉन्वर्जर्स वगैरह आते हैं तो हमें साइकोथेरेपी देनी चाहिए बाद में सपोर्टिव इमेजर्स यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लाइक गैस्ट्रिक लेवेज बेंजोडाइजेपाइन सपोर्टिव मेजर्स और साइकोथेरेपी यह हमें ट्रीटमेंट करनी है कैनाबिनिस पेशेंट के लिए बाद में हम देखेंगे पोस्टमार्टम एपियरेंस पोस्टमार्टम एपियरेंस में सबसे पहला पॉइंट एस्पेक्जिया अभी मैंने स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट में बताया था टैकीकार्डिया हो सकता है तो टैकीकार्डिया की वजह से एस्पेक्जिया भी हो सकता है तो वो भी पोस्टमार्टम में हमें दिख जाएगा देन नेक्स्ट अनएब्जॉर्ब भांग भाग में बी आइडेंटिफाइड इन द स्टमक अगर भांग पूरी तरह पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुई तो वो हमें स्टमक में दिख सकती है पोस्टमार्टम में ये हो गया पोस्टमार्टम अपियरेंस अब है मेडिकोलिगल एस्पेक्ट मेडिकोलिगल एस्पेक्ट में एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इज कॉमन एक्सीडेंटली ज़्यादा कॉमन है देन कैन इज ड्रग ऑफ एब्यूज ड्रग ऑफ एब्यूज़ यानी कि इलीगल ड्रग मतलब कि ड्रग्स विच हार्मफुल टू देम सेल्फ फिजिकली और मेंटली यानी कि पर्सन को फिजिकली और मेंटली वो हार्मफुल रहते हैं उसे हम बोलते हैं ड्रग ऑफ एब्यूज़ ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कैनबिस इज एन ऑफेंस मतलब कि अगर कैनाबिनिस खा के अगर किसी ने ड्राइविंग किया तो वो चार्जेबल होता है इट इज़ यूज बाय साधु जैन पुजारी साधु जैन पुजारीस भी इसका यूज़ करते हैं देन इट्स स्टूपीफाइंग पॉइजन स्टूपीफाइंग यानी कि पर्सन को पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है क्या नहीं तो स्टूपीफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है यूज फॉर रॉबरी रेप और क्रिमिनल एक्ट ये सब हो गया कैनाबिनिस कैनाबिनिस सटाइवा का तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा आज उसका नेचर ऑफ पॉइजन इंट्रोडक्शन एक्टिव प्रिंसिपल पॉइजनस प्रिपरेशन देखें चार बाद में साइन एंड सिम्टम्स देखें फैटल डोज फैटल पीरियड ट्रीटमेंट पोस्टमार्टम एंड मेडिकोलिगल एस्पे ये सब हो गया कैनाबिनिट कैनाबिनिस सटाइवा अगर ऐसी ही वीडियोज आपको अच्छी लगी होंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो Thank you.